तो दोस्तों ये देखिए पाइपिन वाली जो है पॉकेट बनाकर आप सभी को दिखाने वाले हैं। तो ये देखिए हमने पॉकेट कटिंग कर लिया है, इसको हम साइड में कर लेंगे। और ये देखिए पॉकेट को इस तरीके से आपको रखना है, ये मेरा उल्टा साइड को ऊपर रखना है, ये उल्टा है, परफेक्ट। अब देखिए इसको इस तरीके से, ये जो उल्टा है ये मेरा ये वाला उल्टा है, तो उल्टा उल्टा से इस तरीके से रखना है। ये देखिए उल्टा उल्टा से इस तरीके से रखना है, ये भी उल्टा है और ये भी उल्टा है, और इस तरीके से हमने इसको इधर से बिल्कुल सेम बराबर करना है, ठीक है। और ये देखिए ये जो कुटका आपका लगा हुआ है, जितना पॉकेट का निशान लगाए हुए, ये बीच का एक कुटका लगा हुआ है। आप क्या करेंगे कि ये जो इस कुटका से लेके इस कुटका तक ये जो लंबाई रहता है जो है सियाने में 7.5 इंच नहीं तो ये छोटे बच्चे में 6.5 इंच रहता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ दूरी 2.5 इंच का रहता है, इस तरीके से 2.5 इंच का ये दूरी होता है। अब भाई ये देखिए 7.5 नहीं तो 7.5 नहीं तो 6.5, इस तरीके से ये होता है। इसके बाद पाइपिंग के लिए ये वाला पट्टी लगता है, ये खारा होना चाहिए, आरा नहीं होना चाहिए, खारा होना चाहिए। अब क्या करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से सीधा, ये देखिए यहाँ पे इतना रख दिया ना, अब यहाँ तक इस तरीके से मिला देना है, तिरछा रखना है इसको, ठीक है। तिरछा रखने के बाद आप क्या करेंगे कि एक चाप का सिलाई चलाएंगे, ये देखिए एक चाप का सिलाई चलाएंगे, इसको हल्का सा इस तरीके से, देखिए ये देखिए इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको खींच कर नहीं करेंगे, इसको हल्का सा इस तरीके से टानेंगे और यहाँ इस तरीके से, इस तरीके से ये देखिए हम यहाँ रख लिए, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल इसको टाइट किए हैं, बिल्कुल कि जो नॉम है नॉम खत्म हो जाए उतना ही, ज़्यादा नहीं। इसके बाद इसको इस तरीके से सिलाई चला देना है, ये देखिए ये सिलाई चल गया ना, देख सकते हैं। इसके बाद एक पैर का ये जितना कपड़ा छोड़ के सिलाई चले हैं इतना हमको कट कर देना है, ये देखिए, ठीक है। आप क्या करेंगे कि इसको इधर करेंगे, इस साइड करेंगे, ये देखिए ये मेरा इधर को आ जाएगा। अब ये जो है इसको इस तरीके से हल्का सा नाखून लगा दे या आप प्रेस कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि आपको इसको जितना पाइपिंग चौला चाहिए, जितना आपको अच्छा लग रहा है उतना इस तरीके से फोल्ड कर ले, ये देखिए देख रहे हैं ना, ये देखिए इतना हम उनको इतना अच्छा लग रहा है तो इतना ही फोल्ड करेंगे, इतना ही पाइपिंग का मतलब पैंट का इतना ही अच्छा लगता ही है, ये देखिए इतना फोल्ड करेंगे और लप के ऊपर सिलाई चला देंगे। ये बॉडी के ऊपर कपड़ा सिलाई चलेगा, नीचे नहीं चलेगा, इस पे चलेगा, ठीक है, पॉकेट के। देखिए ठीक है, और आपको नजदीक से दिखा दे रहे हैं कि कैसा ये पाइपिंग देखने को लग रहा है, ये देखिए देख लिए ना। आप क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से आपको प्लेन करना है, और ये जो आपको देख रहा है ना इसको इस तरीके से सिलाई कर देना है। अगर किनारी पीस रहता है तो फोल्ड नहीं होता है, ऐसे ही सिलाई हो जाता है। इसको कभी भी बैठा कर अच्छे से सिलाई करेंगे, कम पीस नहीं करेंगे, नहीं तो पॉकेट फलकने लगती है, पॉकेट जो है फलकने लगता है, ये देखिए। ये सिलाई हम यहाँ तक नहीं चलाएंगे, यहाँ बांध दिए हैं, ये देखिए ये सीधा वाला है और ये उल्टा है, तो उल्टा इस तरीके से देखिए आप देख सकते हैं, ये उल्टा में एक बार इस तरीके से आप एक पैर का सिलाई कर ले, एक पैर से हल्का कम, एक पैर से हल्का कम क्यों बताएंगे, अगर आपको लग रहा है कि एक पैर से हल्का सा सिलाई ज्यादा हो गया है तो आप इसको छांट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हल्का सा कट लगा दे, नहीं तो कुटका लगा ले यहाँ पे, जहाँ पे इस तरीके से राउंड टाइप है ना बैठ जाएगा। अब इसको सीधा करेंगे, ये देखिए ये सीधा मेरा अंदर को चल जाएगा, ये देखिए। आप क्या करना है कि ये जो है ना इसके ऊपर एक पैर का सिलाई चलाना है कि अंदर का जो फुचरा है सिलाई में दब जाए, ये देखिए कैसे चलाना है, आपको एक पैर का सिलाई चलाना है इस तरीके से, इसमें का जो भी फुचरा था ठीक है अंदर वाला वो दब गया, बिल्कुल फ्रेश हो गया, ये देखिए पॉकेट अंदर से फ्रेश हो गया। अब इसको इस तरीके से सीधा करेंगे, ये देखिए सीधा करने के बाद इधर से ये देखिए सेम रख के कटिंग किया जाता है इसको, तो इधर से सेम बराबर हो गया। और ये देखिए ये जो है ना कुटका, और ये जो कुटका इस तरीके से आप मिला दो, ये देखो यहाँ से कुटका इस तरीके से मिला के रखो, बिल्कुल परफेक्ट आएगा।
इसको जांचना है तो कैसे जांचेंगे, ये देखिए देख लेंगे कि इसका कमर कितना है। तो ये देखिए कमर जो है इसमें 25 है। अब 25 कमर के लिए क्या करना होगा, 25 कमर के लिए यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, ये देखिए यहाँ से, और 6 का 24 और 2 सूती आ गया 25 इंच। सिलाई का मार्जिन यहाँ पे 1 से 1.25 इंच का रहता है, 1.25 इंच भी दे सकते हैं, 1 इंच भी सिलाई का मार्जिन दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे जो बेस्ट होता है ना फिटिंग पैंट में वो 1.25 इंच ही होता है, लूज पैंट में 1 इंच होता है। ये देखिए कुटका है तो इस तरीके से सेम मेरा आ चुका है। अब देखिए परफेक्ट मेरा ये आ गया। इसके बाद आपको इसको जो बांधना है ना लगभग 1.25 से 1.5 इंच नीचा बांधना है, ज़्यादा नीचा नहीं बांधना है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 1.25 से 1.5 इंच नहीं जाना चाहिए। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक सिलाई लाएंगे और इसको इस तरीके से हल्का सा तिरछा सिलाई बांध देंगे, फिर इसको इस तरीके से रिटर्न लाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जाती वगैरह लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है दोस्त, कि अभी कुछ कटिंग नहीं करना है, सिर्फ धागा कटिंग करना है। इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ जो है अच्छे तरीके से बैठा कर ही ये वाला सिलाई लगाएंगे, नहीं तो ये फलकने लगता है और ये अच्छे तरीके से नहीं बैठता है। ये देखिए कितना बेस्ट तरीके से बैठा हुआ है। तो अब इसको इस तरीके से एक सिलाई चला लेना है। ये देखिए इसमें हल्का सा निकला हुआ है चाहे नहीं निकला हुआ, इस तरीके से बराबर इस तरीके से कटिंग कर लेना है। और ये जो कटिंग करना है ना, ये देखिए सेम मिलाते हुए इधर से सेम कटिंग करना है, नहीं तो कम बेसी हो जाता है अगर आप मिला के कटिंग नहीं करोगे तो। ये देखिए इसको हल्का तिरछा ही रहता है इस तरीके से, ये 1 इंच डाउन हुआ है, इधर हल्का सा ऊपर में उठा हुआ था, नहीं तो यहाँ से बराबर कटिंग कर दोगे तो ये पल्ला लंबाई में छोटा हो जाएगा बैक पल्ला से। ये देखिए सेम हो गया ना। अब इसी प्रकार से दूसरा पॉकेट बना लेंगे, इसके बाद इधर से हम जाती लगाकर दिखाएंगे आप सभी को। दोनों पर इसका दूसरा पॉकेट बना लेकर दिखाते हैं आप सभी को। ये देखिए दूसरा पॉकेट इधर से सिलाई होता है, फर्स्ट बार इधर से हुआ था तो इसको देखिए उल्टा उल्टा इस तरीके से सरिया के रखोगे उल्टा उल्टा में, तो ये इधर से एक सिलाई होगा क्योंकि एक दाहिना एक बावा का होता है ना, तो इस प्रकार से सिलाई होगा। तो इसको एक पैर का सिलाई इस तरीके से हम लगा के सेम जैसे बनाए हैं उसी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए दोनों पॉकेट जो है सेम बन चुका है। इसके बाद जो है इसमें जाती लगाने के लिए ये देखिए, ठीक है, इसको क्या करना है कि ये देखिए हमने ये फैब्रिक कटिंग किया है, कितना है दिखा देते हैं, 5 इंची लंबाई है, चौड़ाई जो है 4 इंच। तो इसको लगाने के लिए आपको इस तरीके से रखना है और ये देखिए इसको इस तरीके से रखना है और नीचे से इस तरीके से सिलाई लेके आना है, इतना पे रुक जाना है और देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये देखिए ये फोल्ड करके नीचे की साइड फोल्ड करना है और इसको इस तरीके से लगा देना है। ये देखिए किस तरीके से हम रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे बांधना है, कितने लोग नहीं बांधते हैं तो ये लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ, वो एक बार पहनता है यहाँ से फट जाता है, ये निकल जाता है बस। तो ऐसा काम ना करें, यहाँ पे बांधे ये देखिए, ठीक है। धागा को कभी भी आप जड़ से काटे, कोई फचरा ना रखें। अब जो है इसको इस प्रकार से ये देखिए इस प्रकार से रखें और यहाँ पे इस तरीके से सिलाई रखें, ये देखिए, और इसको अच्छे तरीके से बैठा कर इसको सिलाई चला लें। देखिए ये लग गया, ठीक है। इसकी इसी प्रकार से जो है उसमें भी लगा लेंगे। आई होप कि वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो शेयर करके सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कर लें। अगर फर्स्ट बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग हमेशा हैप्पी रहा करें, खुश रहा करें।